भाई मछली बड़ा, ये देखें ये है रॉकराम, पूरा पूरा आ रहा है नजर, थोड़ा बाहर इधर आ जाए। रॉकराम और ये है रॉकराम बुश, ग्रे कलर का है रॉकराम बुश। और ये ड्रिल देख रहे हैं, ये एक हटाओ ना आप, फिर मैं दे दूंगा आपको यार। ओके मैं आप बीच में एक मिनट आपको मैं बता दे लेना, यहाँ से आप इससे वीडियो ले लेना, आपको कोई मसला नहीं है, आपको यूएसबी में दे देंगे ड्रिल देगा। ये रॉकराम बुश है और ये रॉकराम ड्रिल है, इससे ऑयल जाता है थोड़ा सा, इसी ड्रिल से ना ऑयल जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ से जाएगा और इस तरफ आएगा और ये केम फॉलोवर पर आएगा, ये बुश है, इस बुश पर आएगा और केम फॉलोवर पर आएगा, इस रॉकराम के थ्रू ऑयल होता है, कार्बन रॉकराम बुश है। आगे ड्रिल नजर आ रही है ना, ये सही है। एक मिनट पॉज, वो नहीं करना और कंटिन्यू कर, बंद नहीं कंटिन्यू। ऑयल जो है ये रॉकराम जो है पिन, सही रॉकराम पिन है। अब इसमें जो होल्स हैं ये सारे ऑयल्स, मतलब ऑयल सप्लाई के हैं। एक तो ये आ गया बीच में, एक मिनट ये वाला, ये जो है मतलब इसमें फिट होगा, फिट होने के लिए मतलब रॉकराम बुश से फिट होगा, सही। और ये होल्स हैं, ये दो, यहाँ से जो ऑयल जाएगा ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पे जो ऑयल रिंग जो है, ऑयल रिंग इस ऑयल रिंग पे, इस ऑयल रिंग पे, और ये जो है टेलीस्कोपिक ड्रिल, ये जो है ये जो होल है टेलीस्कोपिक ड्रिल से ऑयल जाएगा इस तरफ, ठीक है। और ये जो है होल्ड करने के लिए रॉकराम बुश में लगने के लिए, बेंजो बोल्ट लगेगा, हाँ इस पर बेंजो बोल्ट, इस पर बेंजो बोल्ट लिया, ठीक है। ये बेंजो बोल्ट लगेगा इस पर, ऑयल बेंजो बोल्ट से आएगा। ये जो तीन होल्स हैं, एक होल्स में इसमें ऑयल रिंग में जाएगा, इस ऑयल रिंग में जाएगा, ये जो है सीधा रॉकराम बुश टेलीस्कोपिक ड्रिल में जाएगा ऑयल। बेंजो बोल्ट में होल भी हो गए, देखिए ये एक होल, ये होल इससे आएगा ऑयल, ये रहा और इसके ऑयल निकल रहे, सही है, पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग इसके ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। कैचर तो इसकी वीडियो बनाई थी मेरे कल में, कैचर वाल्व, कैचर और इस पर लाना था, ये वाल्व स्प्रिंग, हाँ वाल्व और ये रिटेनर, हाँ रिटेनर है, ये एग्जॉस्ट का रिटेनर है जिसमें बॉल बेयरिंग्स हैं, बॉल बेयरिंग वाला एग्जॉस्ट का रिटेनर है, इसमें बॉल बेयरिंग्स नहीं है, ये इनलेट का रिटेनर, ठीक है, बहुत सारा रिटेनर। और जो मेरे ख्याल में एग्जॉस्ट की वो मुझे मैंने बताई थी, ये क्यों घूमते हैं रेजिस्टेंस, वो वीडियो बनी थी, ठीक है। और कुछ की तरह ना बॉल ग्रस्त की तरह, मसरूर को भी ज़रा समझ आया है ना, मसरूर इनलेट का बॉल्व है, ठीक है, नज़र आ रहा है। एग्जॉस्ट का बॉल्व है, इसमें रोटर लगा हुआ है, ठीक है, रोटर लगा हुआ है, जो बॉल बेयरिंग वाले जो रिटेनर है, ये एग्जॉस्ट का है, इनलेट का है, ये बॉल बेयरिंग वाला रिटेनर एग्जॉस्ट में लगेगा, बॉल बेयरिंग वाला रिटेनर, इसमें दूसरा रिटेनर लगेगा, ये रोटर और ये रिटेनर, ये ज़रा इसको घुमाने में हल्का हल्का, ये बहुत बारीक सा घूमेगा, ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ताकि घूमने से एग्जॉस्ट गैसेस मतलब जितनी जल्दी हो सके वो बाहर निकल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। और इसका जो मेन पर्पज़ है इस बॉल बेयरिंग वाले रिटेनर का और इसका, इधर आना, इसके ऊपर वो फिटिंग वाली वो हट गई मेरे ख्याल में, वो वीडियो बनाई भी थी, बनी भी है, हाँ सही है, वो वीडियो बनी, उसकी जो फिटिंग होती है एग्जॉस्ट पे फिटिंग होती है ना, उसकी फिटिंग को मतलब ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना, वीडियो बना करना आ रहा, उस पर जो फिटिंग बनी होती है, जो स्लैग जो होता है, जो भी होता है, वो एग्जॉस्ट रिटेनर पे रह रहा है, एग्जॉस्ट पे बनेगी ना, जितना भी कार्बन है एग्जॉस्ट पे बनेगा। तो ये जो रोटर और इसका जो मेन मकसद है वो उस फिटिंग को कम करना है, जो वॉल्व सीट होती है, वॉल्व जो सीट होती है बंद कर, कोई गंदा हो जाए तो छोड़ दे, सही मसरूफ़ है, और कुछ